हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित बंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है साइबेरियन हस्की। इस वीडियो को मैं टोटल 4 पॉइंट्स में कवर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट जनरल अपीयरेंस, थर्ड पॉइंट क्या ही डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, और फोर्थ पॉइंट प्राइस। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन। इस डॉग ब्रीड का ओरिजिन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया से बताया गया है। चुपची पीपल थे, उन्होंने इस डॉग को क्रिएट करा था एज ए कंपेनियन डॉग ब्रीड। अब मैं बताता हूँ ये डॉग कैसे पॉपुलर हुआ, लोगों को कैसे पता चलने लगा कि ये डॉग ब्रीड भी है। स्लेट रेसिंग होती थी जो, उसमें इस डॉग ने कई बार ये जीत हासिल करी है, लगातार जीते है 19th सेंचुरी में। एक और फैक्ट इसका, 1925 में इस डॉग ये एक स्लेड खेची थी इन्होंने 658 माइल्स लगातार, जिसको इन्होंने 5 डेज और 5.5 डेज में कवर कर दिया था। और जो जिस लैब में इन्होंने लेके गए थे उसमें एक बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग एक सीरम था, वो एक प्लेस तक पहुंचाया था और जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी बची थी। तो एक बहुत अच्छा फैक्ट है इन डॉग का, और तब से पॉपुलर हो ये डॉग ज्यादा। 1990s में साइबेरियन हस्की पेरेंट क्लब ने कंसिडर करा था कि इस ब्रीड का नाम चुपची इंडियन डॉग रखा जाए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है जनरल अपीयरेंस। ये एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड होता है, वेल फर्ड बॉडी होती है इसकी, इरेक्ट ईयर्स होते हैं, और इसकी जो आईज होती है वो आलमंड शेप आईज होती है, जैसे बादाम के दाने की शेप की आईज होती है। इसके अंदर आई कलर आते हैं, ब्राउन कलर की आईज आती है और ब्लू कलर की भी आती है, और कई डॉग्स में तो ये दोनों कलर की आईज भी मिलती है। इसकी जो टेल होती है वो ब्रश्ड टेल होती है, मतलब कि वो उसके अंदर लंबे लंबे बाज होते हैं, जैसे ब्रश की तरह लगती है वो। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। इसकी मेल की हाइट होती है 21 से 23 इंचेस के बीच में, और फीमेल की हाइट होती है 20 से 22 इंचेस के बीच में। अब बात करते हैं इसकी वेट की। मेल का वेट होता है 20 से 27 केजीज के बीच में, और फीमेल का वेट होता है 15 से 22 केजीज के बीच में। अब बात करते हैं इसके लाइफ स्पैन की। 12 से 14 ईयर्स के बीच में इसका लाइफ स्पैन होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। इस डॉग को बढ़िया हाई क्वालिटी फूड खिलाना पड़ेगा, और प्रोटीन की मात्रा उसके अंदर इतनी होनी चाहिए जिस हिसाब से इसकी एक्टिविटी होती है। अगर एक्टिविटी के हिसाब से इसको ज्यादा आपने प्रोटीन दिया तो ये ओवरवेट हो जाएगा, और अगर उसको कम दिया तो ये अंडर नरिशमेंट में भी जा सकता है। तो इसे प्रॉपर जितनी आप एक्टिविटी करवाते हो उस हिसाब से इसको प्रोटीन और इसकी बैलेंस डाइट प्रॉपर दें इसे। और ये जो प्रॉपर इसको डाइट दोगे वो इसके फर के लिए भी बहुत अच्छी होती है, नहीं तो फर खराब हो जाता है डॉग का। अब बात करते हैं ग्रूमिंग की। इसको वीकली ग्रूमिंग चाहिए, मतलब कि क्योंकि वीक के अंदर कम से कम 2 बार तो इसको ग्रूमिंग करो आप, क्योंकि इसका लॉन्ग फर होता है तो ये साफ रहे और हेल्दी रहे। और बेथिंग करा सकते हो आप मंथ में 1 बार कम से कम, तो ये जरूरी है। वैसे ये डॉग अपने आप को खुद भी साफ कर लेता है, पर फिर भी मंथ में 1 बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बेथिंग कराएं। अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। ये बहुत ज्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड होता है, तो इसको आपको प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए ध्यान देना पड़ेगा। लोग इसे अपार्टमेंट्स में रख तो लेते हैं पर इसकी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते। अगर आप एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे तो ये आपके साथ अपार्टमेंट्स में भी रह जाएगा, पर आप इसको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज दो, कम से कम 1 से 2 घंटे के बीच में एक दिन में एक्सरसाइज कराओ इसे, जो जिसके अंदर डेली वॉकिंग भी इंक्लूडेड ही है। अब बात करते हैं इसके टेम्परामेंट की। इसका टेम्परामेंट लॉयल होता है, मिस्चीवियस होता है, और आउटगोइंग टेम्परामेंट होता है। बहुत बढ़िया फैमिली डॉग है, और ये इतना अच्छा गार्ड डॉग नहीं है, तो अगर आप फैमिली डॉग ढूंढ रहे हो तो इस डॉग की तरफ आप जा सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है प्राइस। इस डॉग ब्रीड का इंडियन मार्केट में 30 से 60,000 एंड अबव भी चला जाता है प्राइस, वो चीज इसकी क्वालिटी के हिसाब से होती है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।